ये डॉकर क्या होता है समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। डॉकर एक पॉपुलर कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को एप्लीकेशंस को इजीली डिप्लॉय, शिप और रन करने में मदद करता है। तो डॉकर एक पॉपुलर कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है। कंटेनराइजेशन क्या होता है अब ये मत पूछना, बताया हुआ है मैंने पिछले एक वीडियो में, वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। ओके, तो ये कंटेनराइजेशन प्लॉट, ये एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को एप्लीकेशंस को इजीली डिप्लॉय, शिप और रन करने में मदद करता है। डॉकर कंटेनर्स एक लाइटवेट स्टैंडअलोन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जो एप्लीकेशन के सारे डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करते हैं और किसी भी एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंट बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं। कुछ मुख्य फीचर्स और कॉन्सेप्ट्स डॉकर में शामिल होते हैं, वो देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है कंटेनर्स। डॉकर कंटेनर्स एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं। हर कंटेनर अपने फाइल सिस्टम, रन टाइम और लाइब्रेरीज के साथ आइसोलेटेड होता है, लेकिन होस्ट सिस्टम का कर्नल शेयर करता है जिससे रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूज होता है। कर्नल क्या होता है मत पूछना, ये भी मैंने बताया हुआ है पिछले एक वीडियो में, वीडियो सेक्शन में देख लेना। दूसरा मुख्य फीचर है इमेजेस। डॉकर इमेजेस एप्लीकेशंस के डिपेंडेंसीज, रन टाइम और कोड को एक पैकेज में बंद करते हैं। ये इमेजेस टेम्पलेट्स की तरह होते हैं जो कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल है जो डॉकर इमेज को डिफाइन करता है। ये फाइल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि कैसे एक इमेज क्रिएट करना है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंसीज, एनवायरमेंट वेरिएबल्स और कमांड्स। चौथा है डॉकर हब। डॉकर हब एक पब्लिक रिपोजिटरी है जहां पर डेवलपर्स अपने डॉकर इमेजेस को शेयर और डिस्कवर कर सकते हैं। इसमें प्रीबिल्ट इमेजेस भी अवेलेबल होते हैं जिन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। फिर है डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज एक टूल है जो मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स को एक साथ डिफाइन और मैनेज करता है। इससे डेवलपर्स एक YML फाइल में अपने एप्लीकेशन के सर्विसेस और डिपेंडेंसीज को डिफाइन कर सकते हैं। डॉकर के इस्तेमाल से डेवलपर्स को एप्लीकेशंस को इजीली स्केलेबल, पोर्टेबल और कंसिस्टेंट बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा डॉकर कंटेनर्स का इस्तेमाल डेवलपमेंट और टेस्टिंग वर्कफ्लोस को स्ट्रीमलाइन करने में भी किया जा सकता है। समझ में आया कि डॉकर क्या होता है? कोई भी क्वेरी अगर है मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जल्दी से पूरी हेल्प करेंगे आपकी। और किसी ने भी बेल आइकन अगर प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करने की बात तो कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलती हैं। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए सपोर्ट करें इस चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।